जिस माँ ने अपने बेटे को 9 महीने तक कोख में रखा, पाल पोस कर बड़ा किया, काबिल बनाया, उसी बेटे की जब माँ को जरूरत पड़ी तो घर से बेदखल कर दिया। अब बुजुर्ग माँ दर दर की ठोकरें खा रही है और वह आगरा रामलला वृद्धाश्रम में रह रही है। ये कहानी है आगरा के श्यामो गांव के रहने वाली 70 साल की रत्ना देवी की। 7 दिन पहले रत्ना देवी आगरा रामलला वृद्धाश्रम में आई है। 7 दिनों में ऐसा कोई भी दिन नहीं रहा है जब वो अपने नाती पोतों को याद करके सिसक सिसक कर रोती ना हो। इस मदर्स डे पर सुनिए रत्ना देवी की कहानी। नाम है रतन देवी। कितनी उम्र है? उम्र हो गई 55 वर्ष। 60 हो गई। कब से हैं आप यहाँ आश्रम में? 6 साल से हैं। 6-7 साल हो गए। क्यों छोड़ गए आप? क्यों आई आश्रम में? अब मेरे गांव में अच्छा नहीं लग रहा। मेरी पॉलिस मार गई, दबा के मारो अच्छी हो गई मेरी हाथ के कारण। कौन कौन है परिवार में? बच्चे कितने? बच्चे 2 ही बच्चे। क्या करते? एक मकान बनाता है, एक नमकीन की चीज लगाता है। शादी हुई तो? हाँ। लेकिन आपको क्यों नहीं रखते? आपको बारिश मार गई इसीलिए बस? और क्या नहीं, दवा कौन करा बस। मन नहीं करता घर जाने का, याद नहीं आती है? अब याद किसकी आएगी? जब बही नहीं चाहते तो मैं क्या चाहूँगी? पोते नाती? पोते एक पोता, 3 नातनी। याद नहीं आती घर जाने का? अरे मैं क्या याद करूं, जब वो ये याद नहीं करते तो मैं किसे याद करूं? दुख नहीं होता कि बच्चे आपने पाल पोस के बड़े कर लिए, वो छोड़ गए? बिल्कुल कोई दुख नहीं, वो तो नहीं। और कहते चलिए पति तो कोई 50 साल मर गए। क्या कहेंगी अब, क्योंकि नीचे बट रहे पैसे, क्या कहेंगी? इतने सालों से अपने बच्चों को पाला पोसा और अब वो छोड़ गए, तो ऐसे अब बच्चों के लिए क्या कहेंगे आप? अब कुछ नहीं कह रही मैं तो, मैं तो कह रही थी मेरे ही नहीं बच्चे, मेरे रखते थे। दुख होता है कि नहीं? दुख क्या होगा, जब वो ही नहीं चाहते तो मैं कैसे चाहूँ?